लूसी, लूसी, जिमी, तुम कहाँ छुपे हो? ओह, मैं चलते चलते बहुत थक गया हूँ। चलो घर चलो, वो कुछ देर बाद आ जाएंगे। मैथ्यू, इतना आलसी मत बनो, चलो वहाँ चले। हे, मैं आलसी नहीं हूँ, मैं बस थक गया हूँ। चलो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ आता हूँ। अगर वो वहाँ नहीं मिले तो फिर हम घर चलेंगे। हाँ? तुम यहाँ हो, हम तुम्हें सब जगह ढूंढ रहे हैं। हेलो दोस्तों, यहाँ आओ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं कागज की नाव बना रही हूँ, इसमें बहुत मजा आ रहा है। वाह, बहुत सुंदर नाव है लूसी। शुक्रिया जॉर्ज। क्या तुम्हें नूह की कहानी के बारे में कुछ पता है? नूह? वो कौन था? नूह ईश्वर का एक महान शिष्य था जो बहुत पहले रहते थे। मैंने फादर जॉर्ज से सुना है कि उन्होंने फुटबॉल के मैदान के बराबर एक नाव का निर्माण किया था। क्या, फुटबॉल के मैदान से भी बड़ी नाव? और उस नाव की ऊंचाई 5 मंजिल के बराबर थी। वाह, कितना आश्चर्यजनक है। क्या तुम्हें पूरी कहानी पता है लूसी? मुझे पूरी कहानी तो नहीं पता, मेरे पास एक तरकीब है। हम सब लोग चर्च चलते हैं और फादर जॉन से नूह की कहानी पूछते हैं। चलो देखते हैं कौन चर्च पहले पहुंचता है। मुझे हरा कर दिखाओ। देखो मैथ्यू, मैं तुम्हें कैसे हराता हूँ। तुम नहीं कर सकते। हे, गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग फादर। फादर, क्या आप हमें नूह की कहानी बताएंगे? क्या उन्होंने सचमुच 5 मंजिला पोत बनाया था फादर? क्या ये बात बिल्कुल सच है? हाँ मैथ्यू, ये बिल्कुल सही है। ये कहा जाता है कि वो फुटबॉल के मैदान से भी बड़ा था। यह बहुत अच्छा है फादर, क्या आप हमें नूह और उसके पोत की कहानी सुनाएंगे? क्यों नहीं, मैं सुनाऊंगा। बैठो बच्चों। पिछली कहानी में मैंने तुम्हें बताया था कैसे आदम और हैवा ने ईश्वर की आज्ञा नहीं मानी तथा प्रतिबंधित फल खाया। ऐसा करके वे ईश्वर से दूर हो गए। उनके बच्चे एक दूसरे से नफरत करते थे। ताकतवर कमजोर को मारता था। प्रभु ने देखा कि पृथ्वी पर मनुष्यों की दुष्टता बहुत बढ़ गई है। कोई भी अच्छे कार्य नहीं करता था, परंतु ईश्वर ने एक अच्छे व्यक्ति को देखा। उसका नाम नूह था। नूह और उसका परिवार ईश्वर के मार्ग पर चलता था। वो ईश्वर की सुनता था तथा आज्ञा पालन करता था। ईश्वर नूह से प्रसन्न थे। पिताजी, पिताजी, कहाँ हो आप? पिताजी, मुझे भी प्रार्थना करनी है। तुम अच्छे लड़के हो बेटे, ईश्वर तुम्हें आशीष दे। हमें देर हो रही है, चलो हम घर चलें। हम अपनी भेड़ों को लें
और घर चले। मैं आपकी मदद करता हूँ। ए, इधर आओ। नूह और उसका परिवार गरीब थे, परंतु वे एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे तथा उनके पास हमेशा पर्याप्त भोजन रहता था। ईश्वर, आपने जो कुछ मुझे दिया और मेरे परिवार को दिया, उसके लिए धन्यवाद ईश्वर। मेहनत करने के लिए, ताकत देने के लिए तथा खाने के लिए धन्यवाद। आमीन। एक रात भोजन के बाद सब सोने चले गए, परंतु नूह नहीं सो पाया। उसे कुछ अजीब सा हो रहा था। तुम्हें नींद आ रही है प्रिय, तुम सो क्यों नहीं जाती? तुम सोने आ रहे हो क्या प्रिय? प्रिय, मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही है। मैं बस थोड़ा सा बाहर घूम कर आता हूँ। नूह घर से निकलकर बाहर टहल रहा था। उसे कुछ अजीब महसूस हो रहा था। उसे लग रहा था जैसे कुछ बड़ा होने वाला है। वो नहीं जानता था कि ईश्वर उसे कुछ बताना चाहते हैं। ओह, ये क्या है? नूह, नूह। ईश्वर, क्या आप हैं? हाँ नूह, मुझे ध्यान से सुनो। नूह, संसार हिंसा से भर गया है, अतः मैंने सब शरीरधारियों का जल प्रलय से पृथ्वी का विनाश करने का तथा फिर शुरू करने का संकल्प किया है। ये भयंकर है प्रभु, ऐसा मत करिए प्रभु। तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें बता रहा हूं, क्योंकि केवल तुम हो जिसने मुझे अपने हृदय में रखा है। मैं तुम्हारा तथा तुम्हारे परिवार का पृथ्वी फिर शुरू करने के लिए चयन करता हूं। ध्यान से सुनो, तुम एक पोत बनाओ, तुम सारे परिवार के साथ पोत में प्रवेश करो तथा तुम सब प्रकार के प्राणियों का एक एक जोड़ा अपने साथ ले जाना। मैं 40 दिन और 40 रात पानी बरसाऊंगा और पृथ्वी से सारे प्राणियों का विनाश करूंगा। बहुत सारा काम है और समय बहुत ही कम। मैं अपने दोनों पुत्रों की मदद ले सकता हूं। उठो उठो मेरे बेटो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात कहनी है। क्या हुआ पिताजी? भोजन की मेज पर आओ, मैं वहीं बताऊंगा। ईश्वर ने मुझे यही आज्ञा दी है। परंतु नूह, तुम ये क्यों नहीं सोचते? पड़ोसी हमारा मजाक उड़ाएंगे। माँ, पूरे शहर के लोग भी हमारा मजाक उड़ाएंगे। परंतु पिताजी, ये संभव नहीं। हम में से कोई भी पोत बनाना नहीं जानता, आप भी नहीं। चिंता मत करो, ईश्वर ने मुझे सिखाया है। मैं आपकी मदद करूँगा पिताजी। हाँ, अगर ईश्वर चाहते हैं कि आप पोत का निर्माण करें, तो हम सब आपके साथ हैं। धन्यवाद प्रिय। मैं मजाक नहीं कर रहा, हम पोत बना रहे हैं, सचमुच बड़े से बड़ा पोत। ठीक है, हंसो, खूब हंसो, तुम्हें समझ में आ जाएगा। ये जमीन काफी बड़ी है, हम यहीं पर पोत बनाएंगे।
ये वैसी ही लकड़ी है जैसे ईश्वर ने कहा था। ये वैसी ही लकड़ी है जैसा ईश्वर ने मुझे कहा था। तुम गोफर वृक्ष की लकड़ी से पोत बनाओ। पोत 300 हाथ लंबा, 50 हाथ चौड़ा और 30 हाथ ऊंचा हो। पोत के भीतर बाहर डामर लगाना, उसमें नीचे की, बीच की और ऊपर की मंजिल बनाना। पोत में ऊपर चारों ओर एक खिड़की बनाना। पोत में एक बड़ा दरवाजा बनाना जिसमें संसार का सबसे बड़ा प्राणी प्रवेश कर सके। फिर पृथ्वी के सब प्रकार के प्राणियों का एक एक जोड़ा पोत में ले जाना। नूह तथा उसके परिवार ने पोत के निर्माण में कड़ी मेहनत की। हमने बना लिया, हमने बहुत अच्छा बनाया है मेरे बेटों। कहाँ है वो बूढ़ा जो जमीन पर पोत बना रहा है? मैं उसे देखना चाहता हूँ जो कहता है कि जल प्रलय आएगा। बूढ़े, क्या तुम पागल हो गए हो? मेरे पिता पागल नहीं हैं। ओहो, क्या तुम उसके पुत्र हो? तुम्हारी नाव तो बड़ी सुंदर दिखाई दे रही है, क्या हम इसे देख सकते हैं? कोई पागल ही जमीन पे पोत बनाएगा। वाह, क्या तुमने इसे बनाया? क्या तुमने इसे बनाया? तुम सचमुच में पागल हो बूढ़े। कौन ऐसा करेगा? तुम मेरा कहना मानो। तुम बेवकूफ हो बूढ़े। चलो भाइयों यहाँ से। कितना सारा काम है, समय कम है। चिंता मत करिए पिताजी, अभी वो इस पर हंस रहे हैं, बाद में रोएंगे। वो समझदार होते तो जानते। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि इतने सारे पशु पोत में जाएंगे कैसे। हमें कोई मार्ग निकालना होगा। पिताजी, पिताजी, वहाँ देखिए, ये चमत्कार है। और वो चमत्कार ही था। ईश्वर पृथ्वी के सारे पशु और पक्षियों को पोत में ले आए। शेर, चीता, हाथी, जिराफ, ज़ेब्रा, सारे पशु पक्षी, सारे जानवर आ चुके हैं। देखो प्रिय, मुझे लगता है बारिश होने वाली है। अचानक बादल घिर आए और शीतल हवा बहने लगी। कैसा बंदर आ गए? सब ठीक है? सब ठीक है पिताजी। ठीक है, मैं दरवाजा बंद करता हूँ। और जैसा कि ईश्वर ने कहा था, तेज बारिश होने लगी।
मुझे डर लग रहा है। डरो मत प्रिय, ईश्वर हम सबकी रक्षा करेंगे। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर। देखा, मैंने तुमसे कहा था ना, हमने कर दिखाया, हमने कर दिखाया। धन्यवाद ईश्वर। पृथ्वी पानी से ढक गई, उसने बड़े पहाड़ों को भी ढक लिया। पृथ्वी पर सब नष्ट हो गया, केवल पोत के पशु तथा मनुष्य बच गए। बारिश होते कई दिन हो गए। नूह देख रहा था कि कब बारिश बंद होगी, परंतु बारिश होती रही। वो इंतजार करता रहा, परंतु बारिश बंद नहीं हुई। फिर 40 दिन और 40 रात के बाद बारिश रुकी। बारिश बंद हो गई। देखो, सब सुनो, बारिश बंद हो गई। क्या बहुत अच्छा हुआ जो बारिश बंद हो गई। वाह वाह वाह, क्या ये सच है? हम सब कब उतरेंगे? ओ प्रिय, धरती पर पानी सोखते ही हम सब उतरेंगे। तुम क्या देख रहे हो प्रिय? तुमने क्या देखा? समुद्र के सिवाय कुछ नहीं। चिंता मत करो माँ। शाबाश मेरे बेटे। परंतु पिताजी, हम ये कैसे जानेंगे कि सूखी जमीन कहाँ है? हाँ, सही कहा, मेरे पास एक तरकीब है। वो गया और कौवा लेकर आया और उसे पोत से बाहर उड़ाया। नूह जानता था कि अगर जमीन होगी तो कुछ लेकर आएगा। नूह ने इंतजार किया, परंतु वो कुछ नहीं लाया। अगले दिन नूह ने कबूतर को भेजा, अच्छी खबर लेके आना। परंतु कबूतर भी कुछ नहीं लाया। नूह ने आशा नहीं छोड़ी, क्योंकि वो जानता था कि ईश्वर उन्हें नहीं छोड़ेंगे। कुछ दिन बाद उसने फिर भूमि को देखने कबूतर को भेजा, और इस बार कबूतर खाली हाथ नहीं लौटा। वो जैतून की पत्ती लेकर आया। पिताजी, ये सुखद है, कहीं आसपास में ही सूखी जमीन है। हाँ बेटे, हम भूमि के बहुत ही निकट हैं। ईश्वर, आपका धन्यवाद। और जल्द ही पोत ऊंची पहाड़ की चोटी पर उतरा। सब सुरक्षित था। ईश्वर ने नूह को बाहर आने को कहा। नूह, तुम और तुम्हारा परिवार, पशु पक्षी सब बाहर आ जाओ, पृथ्वी सूखी है। संसार में फैल जाओ और कई संतान उत्पन्न करो। मैं फिर कभी संसार में जल प्रलय नहीं लाऊंगा। मैं वर्षा के बाद इंद्रधनुष फैलाऊंगा जो मेरे वचन का स्मरण कराएगा।
नूह और उसके परिवार ने ईश्वर को धन्यवाद दिया। नूह के पुत्रों के कई संतानें हुई और वे ईश्वर को प्रेम करते थे। अरे वाह, तो इसलिए ईश्वर ने इंद्रधनुष बनाया। अरे वाह, ये बहुत अच्छा है। मैं तुमसे इस कहानी के बारे में कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या तुम जवाब दोगे? क्या मैं पूछूं? यस फादर। ईश्वर ने नूह को क्या बनाने को कहा था? एक पोत। बिल्कुल ठीक कहा। ये लो, तुम्हारे लिए एक कैंडी। हाँ। धन्यवाद फादर। कौन बताएगा कि पोत क्या होता है? मैं। जी फादर। फादर, पोत बहुत बड़ी नाव होती है। बिल्कुल ठीक कहा मैथ्यू। लो कैंडी लो। एक और आखिरी प्रश्न, ईश्वर ने नूह को पोत बनाने के लिए क्यों कहा? मैं जानती हूँ। हाँ लूसी। ईश्वर पृथ्वी पर जल प्रलय लाने वाले थे, इसलिए उन्होंने नूह को बड़ा पोत बनाने के लिए कहा। बिल्कुल सही कहा लूसी। ये अद्भुत है कि किस तरह ईश्वर विश्वासियों की रक्षा करते हैं। नूह ने हमेशा ईश्वर को सुना। नूह हमेशा वही करते थे जो ईश्वर कहते थे। ईश्वर नूह से प्रसन्न हुए। क्या आप लोग ईश्वर में विश्वास रखते हो? क्या तुम? हाँ फादर, मैं ईश्वर में विश्वास रखती हूँ और मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी जिससे ईश्वर मुझसे क्रोधित हो। मैं भी ईश्वर का आज्ञाकारी बनूंगा फादर। हाँ फादर, मैं ऐसा ही करूँगा। अच्छी बात है। देर हो रही है बच्चों, तुम सब अपने घर जाओ, हम कल मिलेंगे। बाय बच्चों। बाय फादर।